हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करती हैं। ईवीएस में हमारा चैप्टर 7 चल रहा था, जो कि अभी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं आपको उसकी रीडिंग करा रही थी। हमारा चैप्टर नेम है फैमिली। तो मैंने आपको फैमिली के बारे में एक कंसेप्ट पढ़ाया था, एक तो किस टाइप की फैमिली होती है, स्मॉल, लार्ज, ज्वाइंट। उसमें हमने बताया था कि स्मॉल फैमिली में कौन होते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ज्वाइंट फैमिली में हमारे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन, ये सभी होती हैं। और लार्ज फैमिली में हमारे पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हमने तीन पार्ट्स में फैमिली डिवाइड करी थी। उसके बाद में हमने कुछ रिलेशन भी पढ़े थे फैमिली में, कि जो पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना। पेरेंट्स जैसे फादर्स, फादर हमारे ग्रैंड फादर हो गए, ऐसे ही मदर्स फादर भी ग्रैंड फादर ही कहलाते हैं। ऐसे ही फादर्स ब्रदर अंकल, तो मदर्स ब्रदर भी अंकल, फादर सिस्टर आंट, मदर सिस्टर भी आंट, सेम हमारा रिलेशन वही रहता है। उसके बाद जो हमारे ब्रदर सिस्टर होते हैं वो हमारे सिबलिंग होती हैं, और जो अंकल आंट के चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे कजिन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको एक फैमिली ट्री ड्रॉ करने को कहा था। आई होप आप सभी ने ड्रॉ किया होगा, उसमें पिक्स लगाई होंगी अपनी फैमिली की, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 31, यहाँ से हम आज रीडिंग करेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स टेल्स अस मैनी टेल्स टू बूस्ट अवर मोरल वैल्यूज। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत सारी मोरल वैल्यूज सिखाते हैं। मोरल वैल्यूज क्या होती हैं? नैतिकता से रिलेटेड, लाइक हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे धार्मिक जो काम होते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, है ना, हमारे कल्चर जो होते हैं उनको, वो होते हैं मोरल वैल्यूज हमारे। चिल्ड्रन लव टू लर्न न्यू थिंग्स। चिल्ड्रन जो है वो नई चीजें सीखने के लिए बहुत क्या कहते एक्साइटेड रहते हैं। अगर बच्चों को नई नई चीजें बताओ ना, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बाई हेल्पिंग देयर पेरेंट्स इन वाटरिंग द प्लांट्स, जो पेरेंट्स की हेल्प से वो प्लांट्स में पानी देना सीखते हैं। दे कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट्स। वे जान पाते हैं कि प्लांट्स के लिए पानी क्यों जरूरी है। वी लर्न अवर एलिमेंट्री हैबिट्स इन द फैमिली। वी लर्न हाउ टू लिव, व्हेन टू गेट अप, व्हेन एंड हाउ टू ईट। मतलब ये सभी चीजें वो सीख पाते हैं फैमिली में रहकर, कि हमें कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। फैमिली टीचेस अस हाउ टू वर्क। वी लर्न टू कीप रेगुलर रूटीन एंड टाइमिंग। फैमिली में रहकर वो जो हमारा रूटीन होता है, टाइमिंग होता है हमारा हर चीज का, कि हम कितने बजे उठना है, कितने बजे अपना फ्रेश अप होना है, कितने बजे खाना खाना है, तो एक टाइम सेट होता है हर फैमिली का। तो वो उसके अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसमें ढल जाते हैं। फैमिली एल्डर्स टीच अस हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक। फैमिली हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए औरों के साथ, और कैसे बात करनी चाहिए। They also make us learn health and safety habits. वो हमें healthy रहने के लिए और safety habits भी सिखाते हैं, जिससे हम हमेशा safe रहें। Children love to play with their cousins. Children को अपनी cousins के साथ खेलना अच्छा लगता है। They like to sit with their grandparents, listening to stories. और वे अपने grandparents के साथ भी बैठते हैं stories सुनने के लिए। They come to know of their relatives. और अपने relatives को भी जानते हैं वो। They play with and talk to the younger members. वे प्ले करते हैं younger members, अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं ना उनके साथ, और टॉक भी करते हैं, बातें करते हैं। फैमिली रिन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। दे नो अबाउट द ट्रेडिशन, कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ देयर फैमिली। फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है चिल्ड्रन के लिए। फैमिली उन्हें अपने कल्चर के बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में बताते हैं कि हमारी फैमिली में क्या काम किस तरीके से करा जाता है, किस तरीके से हमारे यहाँ कल्चर है, हमारे यहाँ कौन सी पूजा पाठ कैसे करी जाती है, लाइक वट एवर। थिंकिंग एंड लुकिंग अलाइक, देयर आर ऑलवेज सम सिमिलरिटीज अमोंग द फैमिली मेंबर्स। ज्यादातर सभी फैमिली मेंबर्स में कुछ सिमिलरिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में हैव ब्राउन आईज लाइक इट्स मदर। मतलब चिल्ड्रन में जो सिमिलरिटी होती है, जैसे कुछ चिल्ड्रन अपनी मम्मी से शक्ल ऐसे मैच होती है ना, कि इसकी आंखें इसकी मम्मी से मिलती हैं। अदर्स में हैव शॉर्ट नोज एज ऑफ इट्स फादर, और उसकी नोज जो है वो फादर से मैच हो रही है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर मोर अलाइक देन द
अदर्स दे मे हैव सिमिलर आईज नोज लिप्स हेयर एटसेट्रा, इन सभी चीजों से वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, कि कोई अपनी मदर से मैच हो रहा है और कोई अपने फादर से. टू चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर आर कॉल्ड ट्विंस. टू चिल्ड्रन एक साथ बॉर्न होते हैं जब सेम मदर से, तो उनको क्या बोलते हैं हम, ट्विंस बोलते हैं. ठीक है, ट्विंस आर द मोस्ट लाइक. ठीक है, इस तरीके से देखो हमने चैप्टर को रीड कर लिया, वो पेज को रीड कर लेंगे दोबारा. उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स मेक द फैमिलीज, चिल्ड्रन और वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं. फैमिली हैविंग फोर मेंबर्स इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली, जिस फैमिली में ओनली फोर मेंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली. अ फैमिली विद मोर देन फोर मेंबर्स इज कॉल्ड अ बिग फैमिली, जहां पर फोर मेंबर्स से ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाती है, बिग फैमिली. अ फैमिली वेयर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली, जिस फैमिली में ये सभी एक साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट कजिन, तो वो क्या कहलाती है, हमारी ज्वाइंट फैमिली. फर्स्ट टीचर्स ऑफ अ चाइल्ड आर द पीपल विद होम इट लिव्स. वी लर्न अवर एलिमेंट्री हैबिट्स इन द फैमिली. फर्स्ट टीचर जो होती हैं वो हमारी कौन होती है, मदर होती हैं, है ना. फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है, हमारा फैमिली होती है. और सभी हैबिट्स भी हम कहाँ सीखते हैं, फैमिली में सीखते हैं. अब आज मैं ओनली आपको बुक की एक्सरसाइज दे रही हूँ, कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे. एक्सरसाइज मीन सबसे पहले यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं. नंबर वन, चिल्ड्रन आर ऑन द टॉप ऑफ अ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री में सबसे ऊपर चिल्ड्रन आते हैं. नो, सबसे ऊपर कौन आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स. यू आर द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के ग्रैंड चाइल्ड हो. नो, पेरेंट्स के हम चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चाइल्ड किसके होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के. वी लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन अवर फैमिली, हम बहुत अच्छी बातें जो है वो अपनी फैमिली से सीखते हैं सभी. यस, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम अपनी कॉपी में करेंगे. उसके बाद में यहाँ पर आते हैं फिलप्स. अ फैमिली हैविंग फोर मेंबर्स इज कॉल्ड अ, जिसमें फोर मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाती है, स्मॉल फैमिली. अ फैमिली विच हैज ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट्स एंड कजिन इज अ ज्वाइंट फैमिली. योर फादर्स ब्रदर इज योर अंकल. द पेरेंट्स ऑफ अवर फादर एंड मदर आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के फादर और मदर वो हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स. एक साथ पूछा है ना, तो हम दोनों का मिला के बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स. यहाँ पर ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है आपको, उसके तीन ऑप्शन दिए हैं, तो वहां ऑप्शन पे टिक करना है. इफ देयर आर सिक्स मेंबर्स इन अ फैमिली, अगर फैमिली में सिक्स मेंबर्स हैं तो फैमिली कौन सी है, लार्ज, क्योंकि बताया था ना फोर मेंबर्स से ज्यादा है तो लार्ज होती है. योर मदर्स ब्रदर इज योर मदर्स ब्रदर, अगर यहाँ पर अंकल होता तो भी हमारा सही होता, यहाँ मैटरनल अंकल है तो ये हमारा करेक्ट है, यहाँ ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर. नो, टू चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर आर कॉल्ड, टू चिल्ड्रन सेम टाइम पे बॉर्न हुए हैं सेम मदर से, तो उनको क्या कहते हैं, बेबीज कजिन ट्विंस, ट्विंस. क्लियर बच्चों, यहाँ पर दिया है राइट थ्री वर्ड्स इन विच यू हेल्प योर पेरेंट्स, यहाँ पर तीन वर्क ऐसे लिखो जो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो. हेल्पिंग मदर इन किचन वर्क, क्लीनिंग हाउस, प्लांटिंग ट्रीज. अगर जो बच्चे नहीं करते हैं तो वो इस तरीके से अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. ओके, छोटा छोटा काम हमको करना चाहिए, जैसे लाइक मदर हमारी खाना बना रही है तो हम सर्व करा सकते हैं, हम पानी पिला सकते हैं सबको, है ना, प्लांट्स में पानी दे सकते हैं. मम्मा हाउस क्लीन कर रही है तो हम थोड़ा सा डस्टिंग करने में उनकी हेल्प करा सकते हैं. तो थोड़े थोड़े वर्क हमें पेरेंट्स के साथ करने चाहिए. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.